Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. इसराइल ने ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्ला के खात्मे के लिए लेबनान पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला को मिसाइल अटैक में मारने के बाद अब इजरायली सेना ने व्यापक रूप से जमीनी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी बीच हिजबुल्ला के प्रमुख हसन नसरल्ला 27 सितंबर को बेरूत में इजरायली लक्षित हवाई हमले में मारे गए थे। उप महासचिव शेख नईम कासिम ने 30 सितंबर को कहा कि समूह एक नया नेता नियुक्त करेगा। शेख नईम कासिम ने कसम खाई है कि ईरान समर्थित आंदोलन इसराइल से लड़ना जारी रखेगा। 27 सितंबर को नसरल्ला के मारे जाने के बाद किसी शीर्ष हिजबुल्ला नेता द्वारा कासिम का टेलीविजन संबोधन पहला था। कासिम ने कहा कि हिजबुल्ला के लड़ाकों ने रॉकेट दागना जारी रखा है और वो किसी भी इसराइली जमीनी घुसपैठ का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।